उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। टोरंटो के मरकजी हवाई अड्डे पर मुसाफिर रुल गए। मुसाफिरों ने इंतजामिया के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगा दिए। मुसाफिरों का कहना है कि एयरपोर्ट के अमले का रवैया गैर पेशावराना है। कनाडा में तूफान के सबब हजारों अफराद बिजली से महरूम। हजारों कैनेडियन शहरियों ने एक और दिन सर्दी और अंधेरे में गुजारा। मुतालका अमला अपने इलाकों में बिजली बहाल करने में मसरूफ। ऑन्टेरियो में शदीद बर्फानी तूफान के सबब मुख्तलिफ हाईवेज की बंदिश। ऑन्टेरियो प्रोवेंशन पुलिस का शहरियों को गैर जरूरी सफर ना करने का मशवरा। ओपीपी का कहना है कि बर्फबारी और हद निगाह कम होने से सफर खतरनाक हो सकता है। अमेरिका में बर्फानी तूफान से हलाकतों की तादाद 59 हो गई। अमेरिका में बम साइक्लोन, लोग गाड़ियों में मरने लगे। गवर्नर न्यूयॉर्क ने बफेलो शहर भर में एमरजेंसी नाफिज कर दी। यूक्रेन की रूस को मशरूत अमन मुजाकरात की पेशकश। यूक्रेन तनाजा, रूस पर तमाम फ्रेकेन से बातचीत करने के लिए तैयार। सेक्रेटरी जनरल अक्वामे मुत्तहिदा का रूस यूक्रेन जंग में सालस बनने पर आमादगी का इजहार। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. टोरंटो के मरकजी हवाई अड्डे पर फंसे हुए मुसाफिरों की मुश्किलात मौसम सरमा के तूफान के बाद भी कम ना हुई। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। टोरंटो के मरकजी हवाई अड्डे पर फंसे हुए मुसाफिरों की मुश्किलात मौसम सरमा के तूफान के बाद भी कम ना हुई। बदतरीन तूफान गुजरने के बाद भी मुसाफिरों की दोबारा गिनती में ताखीर, परवाजें मनसूख होने जैसे मसाइल का सामना है। मुसाफिरों का कहना है कि वो मौसम सरमा के मुनासिब लिबास के बगैर हवाई अड्डे पर फंसे हुए हैं और ना ही एयरलाइन की तरफ से उनके जाने तक होटल के अखराजात अदा करने का वादा किया गया है। मुसाफिरों ने शिकवा किया है कि बहुत गैर पेशावराना लगता है क्योंकि जवाब देने वाला कोई नहीं है। मुसाफिरों के सफरी मनसूबे एक बड़े मौसम सरमा के तूफान के बाद मुतासिर हुए हैं, जिससे जुनूब मगरबी ऑन्टेरियो के कुछ हिस्से अभी उसके असरात से निमट रहे हैं। तूफान ने हफ्ते के आखिर में कनाडा और रियासतें हाय मुतहदा में परवाजों को मुतासिर किया, जिसके नतीजे में हवाई अड्डों पर बहुत सी परवाजों में ताखीर, मनसूखी और सामान की खराबियां पैदा हुई। हवाई अड्डे की वेबसाइट के मुताबिक पीर के रोज इसकी 9% से जायद परवाजें और 8% से जायद रवानगी मनसूख कर दी गई। हजारों कैनेडियन शहरियों ने एक और दिन सर्दी और अंधेरे में गुजारा, जबकि बिजली की बंदिश से मुतासिर होने वाले इलाकों में बिजली बहाल करने के लिए सरगर्मियां जारी हैं। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। हजारों कैनेडियन शहरियों ने एक और दिन सर्दी और अंधेरे में गुजारा, क्योंकि हाइड्रो अमला गुज़िश्ता हफ्ते शदीद मौसम सरमा के तूफान की वजह से बिजली की बंदिश से मुतासिर होने वाले इलाकों में बिजली बहाल करने के लिए काम जारी रखे हुआ था। पीर की सुपहर तक 55,000 से जायद हाइड्रो क्यूबैक सार्फीन, 24,000 से जायद हाइड्रो वकन के सार्फीन और NBP पावर के 1100 से जायद क्लाइंट्स के लिए बिजली अभी तक बंद थी। न्यू बंसविक पावर ने कहा कि सूबे भर में ये पिछले 25 सालों में बिजली बंद होने के सबसे बड़े वाकयात में से एक था और इसमें 500 से ज़्यादा रिसोर्स अहलकार काम कर रहे थे।
जिन्होंने पीर की सुबह तक 99,000 से ज्यादा सार्फीन की बिजली बहाल कर दी थी। न्यू ब्रंसविक पावर ने कहा कि उसे यकीन है कि मंगल को कुछ सार्फीन अभी भी बिजली के बगैर होंगे। हाइड्रो वन ने कहा कि शदीद मौसम शुरू होने के बाद से उसने 4,12,000 से ज्यादा सार्फीन की बिजली बहाल कर दी है, लेकिन सड़कों की मुसलसल बंदिश उसके अमले की महदूद इलाकों तक रसाई की सलाहियत को मुतासिर कर रही है। हाइड्रो क्यूबैक के CEO सूफी ब्रजू ने कहा कि वक्या मुलाजमतों की पेचीदगी की वजह से सार्फीन को बिजली कब बहाल की जाएगी इसका कतई तखमीना फराहम करना मुश्किल है। जनूबी ऑन्टेरियो का नियाग्रा इलाका तूफान की वजह से तीसरे दिन भी हंगामी हालात नाफिस रहे और बॉक्सिंग डे के लिए कुछ खिदमात जैसे कूड़ा करकट और रिसाइकिलिंग को मंसूख कर दिया गया था। मौसमियाती एजेंसी ने अल्बर्टा, मिनीटूबा और ब्रिटिश कोलंबिया के कुछ हिस्सों के साथ साथ शुमाल मगरबी इलाकों और योकॉन के कुछ हिस्सों में शदीद सर्दी के लिए हवा, जमने वाली बारिश और बर्फबारी की वार्निंग भी जारी की। कनाडा के सूबे ऑन्टेरियो की सूबाई पुलिस एक बार फिर लोगों को सड़कों से दूर रहने का मशवरा दे रही है। दीगर अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के सूबा ऑन्टेरियो की सूबाई पुलिस एक बार फिर लोगों को सड़कों से दूर रहने का मशवरा दे रही है। पुलिस की जानिब से कहा गया है कि शहरी सफर ना करें अगर उन्हें सफर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सूबे के आसपास की शाराहें वाइट आउट हालात की वजह से मसाइल का सामना करती रहती हैं। पुलिस का कहना था कि यह अभी भी GTA के बाहर काफी मुश्किल दिन है और जहाँ भी आप सफर कर रहे हैं, अगर आपको सफर करना है तो समझें कि हालात कितनी तेजी से बदल सकते हैं। OPP सार्जेंट कैरी शमिट ने कहा, हम अब भी लोगों से कह रहे हैं कि वो गैर जरूरी सफर को खत्म करें या बंद करें। मैं जानता हूं कि ये क्रिसमस है, लेकिन मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि लोग मदद के इंतजार में फंस जाएं, क्योंकि उसके आने से पहले कुछ वक्त हो सकता है। अगरचे टोरंटो और आसपास के बहुत से इलाके इस हफ्ते के मौसम सरमा के तूफान से बहुत ज्यादा बारिश के बगैर बच गए, सूबे के दीगर हिस्सों में बर्फ की मिकदार ज्यादा रही है और धुंधली सूरत हाल ने ड्राइविंग को खतरनाक बना दिया है। पीस ब्रिज बॉर्डर क्रॉसिंग रियासत हाई मुतहदा को खराब हालात की वजह से दिन के ज्यादातर वक्त बंद रहने के बाद इतवार की शाम को दोबारा खोल दिया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस सूबे भर से आने वाली 911 कॉल्स का जवाब देने के लिए भी जद्दोजहद कर रही है। उन्होंने कहा कि हद निगाह कम होने की वजह से हाईवे पर मुश्किल में पड़ने वाली गाड़ियों का जवाब देना हंगामी अमले के लिए भी खतरनाक है। उन्होंने लोगों को मशवरा दिया कि अगर उन्हें गाड़ी चलाना है तो बाहर निकलने से पहले अपने पूरे रास्ते पर सड़क की हालत और बंदिश की जाँच करें। अमरीका में शदीद सर्द मौसम और बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद होकर रह गया। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद बढ़कर 69 हो गई है। दीगर अहवाल जानने के लिए देखेंगे ये रिपोर्ट। अमरीका में शदीद सर्द मौसम और बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद होकर रह गया। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद बढ़कर 55 हो गई है। अमरीका में बम साइक्लोन की शिद्दत की वजह से लोग गाड़ियों में मरने लगे हैं। अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में अब तक 69 हलाकतों की तस्दीक हो गई है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बदतरीन तूफान से न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। शहर बुफेलो में 27 अफराद हलाक हुए हैं। पूरा शहर मोहलिक तूफान की लपेट में है। हर शहर बर्फ से ढक चुकी है। गवर्नर न्यूयॉर्क ने शहर भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। अमरीका भर में बर्फानी तूफान की वजह से 10,000 से ज़ायद परवाजें मनसूख हो चुकी हैं, जबकि हजारों मुसाफिर हवाई अड्डों पर फंसे हुए हैं। माहिरीन का कहना है कि मौसम इतना खतरनाक है कि बाहर निकलने पर सिर्फ 10 मिनट के अंदर फ्रॉस्ट वाइट हो सकती है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मगरबी न्यूयॉर्क के कुछ हिस्सों में 43 इंच से ज्यादा बर्फ पड़ी है। बर्फानी तूफान की वजह से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट कल तक के लिए बंद रहेंगे, जबकि अमरीका भर में 3,000 परवाजें मनसूख की गई हैं। दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि उनकी दुआएं मुतासिरा खानदान के साथ हैं। उन्होंने मुतासिरा रियासतों को वफाकी मदद फराहम करने की पेशकश की है। कनाडा के सूबे ऑन्टेरियो और क्यूबैक भी बर्फानी तूफान से शदीद मुतासिर हैं। क्यूबैक से टेक्सास तक 17,00,000 अफराद बिजली से महरूम हो चुके हैं, जो क्रिसमस का दिन बिजली के बगैर गुजारने पर मजबूर हैं। यूक्रेन के वजीर खारजा ने कहा है कि अमन मुजाकरात के लिए अक्वामे मुत्तहिदा में सरबराही इजलास बुलाया जाए, जबकि सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस सालिस बन सकते हैं। दीगर अहवाल जानने के लिए देखेंगे ये रिपोर्ट। यूक्रेन के वजीर खारजा ने कहा है कि अमन मुजाकरात के लिए अक्वामे मुत्तहिदा में सरबराही इजलास बुलाया जाए, जबकि सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस सालिस बन सकते हैं। यूक्रेन ने रूस को फरवरी में मशरूत अमन मुजाकरात की पेशकश करते हुए कहा है
کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینتونیو گوترس اقوام متحدہ میں سربراہ اجلاس کے ذریعے ثالثی کر سکتے ہیں۔ روسی ہم منصب سرگئی لاروف نے واضح کیا کہ آگے بڑھنے کے لیے یوکرین کو اپنے علاقے غیر فوجی بنانا ہوں گے، نازیوں کو ختم کرنا ہوگا اور اپنی زمین سے روس کی سیکیورٹی کو لاحق خطرات کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے روس یوکرین جنگ میں ثالث بننے پر آمادگی کا اظہار کیا ہے، جبکہ روسی صدر بھی اپنے بیان میں کہہ چکے ہیں کہ یوکرین تنازع پر روس تمام فریقین سے بات چیت کے لیے تیار ہے۔ یوکرین کے وزیر خارجہ دیمترو کولیبیا کا کہنا ہے کہ ہر لڑائی کا خاتمہ میدان جنگ میں کیے گئے ایکشن اور مذاکرات کی میز پر ہوئے اقدامات پر ہوتا ہے۔ دیمترو کولیبیا نے کہا کہ اس امن بات چیت کے لیے روس کو پہلے جنگی جرائم میں عالمی عدالت انصاف کا سامنا کرنا ہوگا۔ یوکرینی وزیر خارجہ نے امن کی یہ مشروط پیشکش روس کے صدر پیوتن کے اس بیان کے بعد کی ہے، جس میں انہوں نے مذاکرات پر آمادگی ظاہر کی تھی۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے جواب دیا کہ دشمن ہماری تجاویز سے پہلے ہی واقف ہے۔ روس واضح کر چکا ہے کہ جن علاقوں کو غیر فوجی اور نازیوں سے پاک کرنا ہوگا ان میں وہ چار علاقے بھی ہیں جو روس میں اب تک شامل ہو چکے ہیں۔ دوسری صورت میں روسی فوج اس مسئلے سے خود نمٹ لے گی۔ ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی۔